जिस पार्टी के पास सत्ता होती है उस पार्टी के दरवाजे पर नेताओं की सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों के सांसद, विधायक और नेता भी उसी दल में शामिल होने की कोशिश करते हैं जिसकी सरकार हो। भारतीय राजनीति में बार बार दल बदलने वालों के लिए आया राम गया राम जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये शब्द आया कहाँ से है और किसने इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया और किसके लिए हुआ था इस शब्द का इस्तेमाल? देखिए हमारी रिपोर्ट। कर्नाटक हो या सिक्किम या गोवा, पिछले दिनों कई राज्यों के विधायकों ने अपनी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा है। अधिकांश मौकों पर सांसद विधायक भाजपा में शामिल होते हुए दिखाई दिए हैं। राजनीति में दल बदल के इस खेल के लिए आया राम गया राम मुहावरे का प्रयोग भी किया जाता है और ये मुहावरा दिया था हरियाणा ने, क्योंकि राजनीतिक निष्ठा बदलने के इस खेल की शुरुआत हरियाणा से ही हुई थी। राज्य में दल बदल का ये खेल इतना खेला गया कि एक विधायक सुबह एक पार्टी में होता तो दोपहर दूसरी पार्टी में और शाम को तीसरी पार्टी में। हरियाणा में दल बदल के इस खेल की शुरुआत तो राज्य बनने के साथ ही हो गई थी और राज्य के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा की सरकार दल बदल के कारण ही गिरी थी। हरियाणा के राज्यपाल रहे जीडी तपासे ने एक बार कहा था कि जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही यहां के विधायक दल बदलते हैं। 1967 में हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिला और भगवत दयाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। शर्मा की सरकार गिराने के लिए कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की और विशाल हरियाणा पार्टी नाम से नया दल बनाया। फिर उन्होंने दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता राव बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बना ली। इसी दौरान फरीदाबाद क्षेत्र में आने वाले हसनपुर सीट के निर्दलीय विधायक गयालाल ने एक दिन में तीन तीन पार्टियां बदल डाली। गयालाल पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे और 9 घंटे के अंदर ही यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गए। गयालाल के बार बार दल बदलने पर राव बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि गया राम अब आया राम है। इसके बाद से ही दल बदलू नेताओं के लिए ये मुहावरा बन गया। आया राम गया राम को रोकने के लिए राजीव गांधी ने 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाया जिसमें किसी भी पार्टी का विधायक अगर दल छोड़ता है तो उसकी सदन की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। सदस्यता तभी बची रहती है जब उस पार्टी के एक तिहाई से ज्यादा निर्वाचित सदस्य एक साथ पार्टी छोड़े, लेकिन इस कानून का भी ज्यादा असर नहीं दिखा तो 16 दिसंबर 2003 को संसद को 91वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करना पड़ा जिसमें दल बदल के लिए एक तिहाई की जगह 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी कर दिया गया। लेकिन ये खेल अभी भी चल रहा है और इसी आया राम गया राम के खेल से कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार चली गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।